प्रदेश के 15 शहरों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे। जी हां, कई जिलों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का खाका तैयार कर लिया गया है। लखनऊ, उन्नाव, अमेठी और सुल्तानपुर में ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। इसके अलावा प्रतापगढ़, औरैया, हमीरपुर और जालौन का नाम भी शहरों की लिस्ट में शामिल है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आजमगढ़ में भी ऐसे ही इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे और अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, प्रयागराज जिलों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 15 प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे पूरे प्रदेश में। जिन जिलों में ये बनाए जा रहे हैं उन जिलों के नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, उनमें से कई पहले ही इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, वहां पर भी ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाने हैं। ये बड़ी खबर, प्रदेश के 15 शहरों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। और इसका पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया है। कई जिलों में ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज, ये सभी जिले इसमें शामिल, जहां पर ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। और ये हमीरपुर और जालौन का नाम भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर चंदौली से है। जिलाधिकारी ने वहां पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। मनराजपुर घटना को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं जिलाधिकारी की ओर से। जांच अधिकारी सदर, एसडीएम 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। 1 मई को पुलिस की दबिश के बाद निशा की संदिग्ध मौत हुई थी। इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जिलाधिकारी ने दे दिए हैं। जांच अधिकारी सदर, एसडीएम 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। 1 मई को यह घटना हुई थी, 15 दिन में रिपोर्ट पेश करनी है जांच अधिकारी सदर, एसडीएम को। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जिलाधिकारी चंदौली के द्वारा, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी अब निशा की संदिग्ध मौत के मामले में। युवती की संदिग्ध मौत के मामले में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे जांच अधिकारी सदर, एसडीएम। 1 मई को यह संदिग्ध मौत हुई थी पुलिस की दबिश के बाद से, और अब जिलाधिकारी का आदेश है कि मजिस्ट्रियल जांच होगी सारे प्रकरण में। 15 दिन का समय दिया गया है, 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। शशांक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। शशांक, क्या एसडीएम सदर इंक्वायरी करेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये मनराजपुर में 1 मई को घटना हुई थी। पीड़ित निशा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में थी। उसके बाद राजनीति शुरू हो गई थी। आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के नेता भी आए। कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति शुरू है। डीएम चंदौली ने इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, 15 दिन में एसडीएम सदर जांच करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। जी बहुत धन्यवाद आपका शशांक।